हल्का फुल्का नहीं होने दो होने दो मजा आ रहा है इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगा मजा आ रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा मतलब बहुत कुछ सीखा और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग फोकस्ड मतलब उसके बिना तो नहीं है मतलब दिखने में आसान है पर है नहीं शाबाश ये फोकस ही होना चाहिए हमारा और साथ में हमारी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए जैसे आपने बताया था सर और मसल पावर में ज़्यादा प्रेशर नहीं है सो फ्रेंड्स आज नए ब्लॉग के साथ आज हम जा रहे हैं स्कूल में अब स्कूल में जाना तो मतलब बहुत एक्साइटेड रहता है कि बच्चे एकदम अलग अलग तरीके के जवाब देते हैं और अलग सिनेरियो होता है तो विकास नगर में स्कूल है विकास नगर जा रहे हैं हम देहरादून से और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ के बच्चे का क्या रिएक्शन रहता है गोल्फ को लेके पहली बार कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रिंसिपल जो थे जो ओनर थे मिस्टर रवि सप्रा जी वो बहुत एक्साइटेड थे गोल्फ को लेके कि आप आइए हमारे स्कूल में और गोल्फ करिए तो हम लोग अब गोल्फ कर रहे हैं एंड पहुँचते हैं वहाँ पर आपको वीडियो कंटिन्यू है साथ में संजय जी हैं संजय जी से मुलाकात होगी मेरे सही होगी मेरे साथ के मेरे छोटे भाई जैसे टीम वर्क है प्लस संजय जी को के पास कैमरा एंड प्लस हमारे साथ हैं विपिन हेलो विपिन हैं विपिन भी बहुत अच्छे अभी गोल्फ सीख भी रहे हैं हमारे साथ कर भी रहे हैं काफ़ी समय से काफ़ी गेम में इम्प्रूवमेंट भी हो चुका है इनके और आगे जीवन में आशा करते हैं कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो अभी हम स्कूल चलने पहुंचने के बाद आपको फिर कंटिन्यू करते हैं स्कूल पहुंचते ही ठीक है तो वीडियो में बने रहें और सफ़र का मजा लें अभी तो हम लोग गाने वाने सुन के इंजॉय करेंगे तो गाइस हम पहुंच चुके हैं स्कूल में अब हम एंटर हो रहे हैं यहाँ से गेट से ये सामने देखिए ये बच्चे बहुत सारे अपना हाफ टाइम में एंजॉय करते हुए और लंच करते हुए इसलिए हम चलते हैं ऑफिस की ओर ये है स्कूल का फ्रंट ऑफिस ये देखिए स्कूल का नेम और ये हमारे हैं मिस्टर कोच रवि वागड़ी जी यहाँ के ओनर और ये हमारे हैं कोच संजय भट्ट अब आते हैं सर के पास सर कहा है यहाँ पे देखिए ये है फ्रंट ऑफिस स्कूल का So that you can learn the technique over there to play golf. Other students with their teachers will go to their classrooms. Okay? Fine? Yes, ma'am. Thank you. जाना चाहोगे हमारे पास गोल्फ कोर्स भी है एकेडमी भी है और सर ने तो देख ही रखी है हमारी एकेडमी ठीक है तो लाइक लोगों के माइंड में ये है कि ये बहुत अमीर लोगों का गेम है बट ऐसा कुछ नहीं है ठीक है पहली चीज तो ये है मेरे टैलेंट की कदर है टैलेंट अच्छा होगा तो हम लोग चांस देंगे कि भाई आगे बढ़ो और हम पूरी मेहनत करेंगे कि आप लोगों को कोशिश करेंगे कि इस गेम से इंट्रोडक्शन करें ठीक है कि आपको आए और ये डिस्ट्रिक्ट नेशनल वैशनल खिलाना बहुत इजी है और इसमें चांस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि कंपटीशन कम है ठीक है डन तो मेन है जैसे कि हमारी गोल्फ किट होती है लाइक जैसे कि गोल्फ कोर्स है पहले गोल्फ कोर्स के बारे में जानो कि ये जितना स्कूल है ना इसका कम से कम वो 20 टाइम्स बड़ा होगा ठीक है एक राउंड मारने के लिए कम से कम आपको 3 घंटे लगेंगे ठीक है उसका ये होता है कि जैसे एक क्रिकेट स्टेडियम होता है ठीक है एक शॉट मारने के लिए आप इस जो ड्राइवर है हमारा वन नंबर का निकालो उसको यदि आप पहली शॉट इससे लेते हो ड्राइवर से ठीक है इसे ड्राइवर कहते हैं एक बैग में कम से कम 14 आयरन्स होते हैं जिसमें ड्राइवर वुड रेस्क्यू आयरन्स पटर ठीक है तो जैसे कि लाइक
हमको मारना है 300 yards. 300 yards का मतलब हो गया कि आपको 3 stadium पार करने हैं उस शॉट से. जस्ट इमेजिन. तो ये ना एक किस्म से मतलब बहुत मतलब क्रियोसिटी है कि आपको एक शॉट मारनी है, आपने 250 yards मारा, उसके बाद का जो बैलेंस बचा है फिर उसको कवर करना है. तो सब ये कैलकुलेटेड है कि इसके कौन सा आयरन हमें यूज करना है, कैसे तरीके से हमने उसको प्ले करना है. ठीक है. एंड मतलब आने वाले टाइम में हम सोचेंगे कि हम आपको पूरा तरीके से अपने गार्ड में ले जाएं और आपको सिमुलेटर उस चीज को समझाएं और प्रैक्टिकल उसको 1-to-1 आपके साथ सेशन करें. ठीक है सर. उसका इंतजाम कुछ ना कुछ करेंगे. तो जैसे कि लाइक हमारे पास 14 irons होते हैं, इसे ड्राइवर कहते हैं. ये सबसे दूर यार्ड मारता है. ठीक है 300 yards. ओके कितना मारता है? अच्छी स्विंग से 350 भी मार सकता है और बेस्ट से 400 भी मार सकता है और बेकार से 150 भी मार सकता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं वुड. प्रैक्टिकली 280 मारता है. 280 yards. 280 yards से मतलब कितना हो गया? यस. तो मतलब लाइक आपका हो गया कि 1 yard का 3 feet होता है. तो वो इसको कैलकुलेट घर में कर लेना. ठीक है. बाकी मेरे YouTube चैनल पे है रही बॉल विद रही बागड़ी, उसमें आपको हम लोग बॉल सिखाते हैं. ठीक है. उसमें देख के आप सीख सकते हैं. फिर हमारे पास आते हैं रेस्क्यू. रेस्क्यू का मतलब हो गया जहाँ पर बड़ी ग्रासेस होती है वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. मतलब ऐसे जल्दी से समझ नहीं आएगा कि कहाँ रेस्क्यू की चीज़ की बातें कर रहे हैं, बट आपको धीरे धीरे यदि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी. नहीं ठीक है. अब ये आयरन है. ठीक है. आयरन होते हैं पूरे अपने 5-9 तक होते हैं, फिर पिचिंग विद सैंड. तो ये भी हमारे डिस्टेंस को कम, जितना बड़ा हो आयरन वो उतनी दूर जाएगा, जितना छोटा आयरन वो उतना कम. लाइक जैसे 1 है 300, 2 है 280, 3 है आपका 260, ऐसे करके माइनस हो जाएगा. ये है आपका पटर. ठीक है. पटिंग करा सकता हूँ मैं सबको भी फटाफट. ठीक है. तो ये संजय और विपिन बता देंगे कि किस तरीके से पटिंग होगी. तो आप लोगों को थोड़ा सा एक दो बोन बुलाते हैं बीच में कि किस तरीके से सोएंगे. पटिंग होती है जैसे कि लाइक मैंने यहाँ से शॉट मारी, लाइक सामने पेड़ दिख रहा है वो. ठीक है. वो 200 yards एक शॉट में मैं वहां पहुंच गया. ठीक. उसके बाद वहां पर एक ग्रीन कलर का पैच होगा, वहां होल होगा. यहाँ से इतनी दूर में तो मैं एक शॉट में पहुंच गया, बट उस होल के अंदर डालने में ना मेरे को 3-4 chances लग जाएंगे. वो डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि उसमें लाइन और उसके अलाइनमेंट देखने पड़ते हैं. ठीक. तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा पटिंग एरिया भी बनाए. ठीक है. पटिंग का मतलब होता है कि लाइक हमारा फाइनल स्टेज. ठीक है. एक ग्राउंड में 18 होल्स होते हैं. ठीक है. 18 होल्स का मतलब हो गया कि आपका 18 टाइम हमने उस होल में डाले, अलग अलग जगह पे वो होल्स होंगे. ठीक है. और उस टोटल एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 72 शॉट्स होंगे. कितने? 72. खत्म करने के लिए हम उसको 100-200 में भी कर सकते हैं, बट हमारे को यदि जीतना है तो उसको 72 में या उससे माइनस में रखना है. ठीक है. टाइगर वुड और अपना शुभांकर शर्मा का और मिल्खा सिंह जी का लड़का जो है, ठीक है, वो अच्छा खेलने वाले हैं प्लेयर. ठीक है. चंडीगढ़ में खेलते हैं लोग. तो इसका मतलब हो गया कि लाइक वो कितना खेलते हैं, वो 5-6-7- ये खेलते हैं. मतलब 72 से 65-66 इस तरीके से करते हैं. ठीक है ना. तो अभी के संजय और विपिन आपको स्विंग करके दिखाएंगे कि व्हाट इज स्विंग, बैक स्विंग क्या है इस तरीके से. ठीक है. ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, इसका नाम संजय है और इसका नाम विपिन, और सर को तो आप जानते हैं. मैं भी रवि, सर भी रवि. ठीक है. तो संजय तुम करते रहो, विपिन करता पीछे कर दो इसको ना. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से कोई भी बच्चा पहला आएगा आप आ जाओ. मतलब लाइक ये एक किस्म से बिगनर है. ठीक है. इसको कुछ नहीं पता. ठीक है. वो कैसे पकड़ेंगे आयरन आप उनको देखना. संजय पकड़ा, आयरन पकड़ा. ठीक है. नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बताओ, आप पकड़ो इसको, आयरन को संजय को पकड़ देखो एक बार, कॉपी करो. तो देखिए ये विपिन संजय पकड़ेंगे इस क्लब को. ठीक है. और इसको रोटेट करेंगे. ठीक है. उसके बाद ये आपके जो विद्यार्थी आपके ध्यान ये रखना है कि ग्रिप अभी काफी कभी पाम में जाए.
बैडमिंटन का कितना होता है, टेनिस का, बेसबॉल का, टीटी का, आपने बॉल देखी कितनी बड़ी होती है, बॉल दिखा देता तुमने, एक छोटी सी बॉल होती है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, छोटी है ना, इससे छोटी बॉल आती है किसी गेम में, आप बताओ बताओ किसमें आती है, किसी में आती है, ठीक है कंचे सही है, अब कंचे खेलने वाला तो फिर कंचे खेलेगा ना बॉस, वो बॉल भी नहीं खेलेगा, ठीक है ये चीज है, ठीक है। और इसका जो क्लब फेस है वो भी बहुत छोटा है, यदि आप इस क्लब फेस को राइट से मारेंगे तो बॉल राइट जाएगी, लेफ्ट से मारेंगे तो लेफ्ट जाएगी, मेन है सेंटर कनेक्शन, ठीक है। और दूर से दूर मार लो, मेरे से दूर भी मार सकते हो, ठीक है, मन के अंदर ये याद है कि भाई मैं दूर मार के दिखा सकता हूँ बॉल, आप मार सकते हो, कोई भी मार सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि भाई वो जो पोल है ना वहीं पर बॉल मारनी है और वहीं रोकनी है, वो टैलेंट है, ठीक है, बॉल कोई भी मार सकता है और सीधी मारनी है बिल्कुल, तो उसको बॉल को रोकने की टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कि लाइक हम इसको किस तरीके से, तो पॉसिबल है कि आपका ये बॉल रखी है, ठीक है, ठीक है ये बॉल है और ये इसकी टेक्निक है पकड़ने की, इसको हम कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि ये रबड़ है, ग्रिप पार्ट है, ये शाफ्ट है और ये हेड है, ठीक है ना, तो इसको हम कैसे पकड़ते हैं, इसको फिंगर से पकड़ते हैं, अंडरस्टैंड, कहाँ से पकड़ते हैं, फिंगर से, क्योंकि हमारी पावर सबसे ज्यादा फिंगर्स में रहती है, यदि फिंगर्स नहीं है ना अपने पास तो पावर नहीं है, समझ गए, तो मैंने पहले अपने को फिंगर से पकड़ना है, ठीक है, इंटरलॉक दोनों फिंगर इस तरीके से, जब आप इसको चलाओगे पूरा रोटेशन करोगे, ठीक है, जैसे संजय करेगा अभी रोटेशन, रोटेट करके दिखाना है, आप थोड़ा सा हट जाओ, हट जाओ उधर से ना, उधर से हट जाओ, अब कई लोगों को लगाओ कि इन्होंने ऐसे उठाया और ऐसे मार दिया, तो इसने ये मसल पावर यूज नहीं करी, गोल्फ में ताकत नहीं होती, ताकत होती तो बैग में ना 14 आयरन ना होते, एक आयरन होगा, एक आयरन से क्योंकि ताकत है मेरे में ज्यादा है, आप में कम है, आप में ज्यादा है मेरे में कम है, तो वो अपने हिसाब के हिसाब से मारते ना ताकत लगा लगा के, बट इसने क्या करा, बॉडी को उसको रिलीज किया, क्या करा है, उठाया है और छोड़ दिया है, ठीक है, जितना आप इसको रिलैक्स करके मारोगे ना उतना ही बढ़िया आपका गेम होगा। और बॉल सीखने का एक बेनिफिट है कि आपको एटिकेट आ जाते हैं, आपको पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, कि आपको गुस्सा नहीं कर सकते, यदि गुस्सा हो गया ना तो समझ लो काम खराब, आप खेल नहीं सकते, क्योंकि ये गेम ना आपके अब ना क्या करना है, मेन चीज क्या है, जो अपने शोल्डर है उसको रिलैक्स रखना है, क्या रखना है, रिलैक्स, फोकस हमारा क्या होगा कि हम इसको धीरे उठाएंगे, ऐसा क्लब में छोड़ देना नहीं आगे वालों के लगे, मैम क्या हो गया, ऑलरेडी आप लोग ऐसे बनाते हो, आप कॉपी में हैं, आपका जो अकाउंट रहेगा ट्राई होगी बिल्कुल।
करेंगे नीचे, ओके? ये समझो कि बॉल है कि आपको हिट करना है नीचे, ओके? वन टू थ्री वन टू थ्री गुड वन बहुत अच्छे शाबाश। अच्छा सबका यस हो गया, चलो बढ़िया। गुड वन हाँ सब कुछ खोज देना स्कूल का। टू थ्री शाबाश बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मैं पावर नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ स्विंग करता हूँ, ओके? फिर से वन ठीक है। अब कमांड करेगा विपिन और आप लोगों ने करना है। चलिए वन
नाप टाम से उठाया और इसको छोड़ना है, तो छोड़ने में क्या होगा, टर्न करना है बॉडी, तो ये आपका क्लब यहाँ पर आएगा आपके ना इस साइड पर। अभी आप लोगों का क्लब यहाँ पर, जब आप रिलैक्स करके मारोगे ना इसको ऐसे, तो ये आपका लेफ्ट आर्म लेफ्ट डालो और क्लब आपके लेग के पीछे रहेगा। तो जितना क्या करना है, रिलैक्स, सर मत हिलाना इस बार, ठीक है, 2 3। अब ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे कर रहे थे तुम, कर सकते हो, वॉइस कर लेंगे पक्का गर्ल्स, ठीक है, चलो 1 2 3 बैक स्विंग, ठीक है, अपने एल्बो चेक कर, ठीक है ना, ऐसे सेटअप लाइए, सेटअप सेटअप, सिर्फ सेटअप होगा, अभी बॉल नहीं मारोगे आप लोग। 1 2 3 पोस्चर, थोड़ा रिलैक्स रहिए भैया, कहाँ इतने टेंशन में हो, भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए गाइस दोबारा से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 शाबाश, 1 2 3 दोबारा से, 1 2 3 पोजीशन, बहुत बढ़िया, 1 2 3 शाबाश, 1 रिलैक्स, 1 था यार, कोई बात नहीं, 2 3 शाबाश, बहुत अच्छे,
बताइए सर कैसा लगा गोल्फ खेल के? सर मजा आ रहा है, इंटरेस्ट मजा आ रहा है, इंटरेस्ट बहुत अच्छा लगा, मजा आ रहा है पर समझ कुछ नहीं आ रहा अभी। एक दिन में किसी को समझ नहीं आता गोल्फ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा लगा सर, सीखने में आनंद आ रहा है, मस्त है सर, एकदम सर बढ़िया लग रहा है। मतलब क्या इम्पोर्टेंट, मतलब इसका मतलब क्या थ्योरी का समझ आई? सर दूर से आसान लगता है, हाँ दूर से आसान लगता है लेकिन खेलने में पता चलता है कि मुश्किल है करना। ठीक है, मस्त है सर, मस्त है सर, सर तो मस्त है ही, गेम मस्त है सर। अच्छा गेम मस्त, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। ठीक है सर, मैम बताइए। हमने मतलब बहुत कुछ सीखा और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बीइंग फोकस्ड, मतलब उसके बिना तो नहीं है, मतलब फोकस तुम्हें अगर होगा ना कि अगर तुम फोकस होगा तभी इस गेम को खेल सकते हो और इंटरेस्ट भी होना ही चाहिए। गुड वन, इस गेम में बस ये है कि फोकस होना चाहिए हमारा टारगेट, अगर फोकस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, दिखने में आसान है पर है नहीं। शाबाश, ये फोकस ही होना चाहिए हमारा और साथ में हमारी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए जैसे आपने बताया था सर, और मसल पावर में ज़्यादा प्रेशर नहीं है। वी आर प्रैक्टिसिंग विद हिम ताकि हम थोड़े चैंपियन बन पाए और प्रैक्टिस के साथ। चलिए बढ़िया है, गुड। सो एक्सपीरियंस जान लेते हैं बच्चे से, कैसा लगा फिर गोल्फ खेल के? सर बहुत अच्छा लगा। क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट लगी? सर फोकस, मतलब बॉल पे फोकस रखो, मतलब बॉल की तरफ देखते रहो ना, और भी मतलब जो सेकंड स्टेप है वो करो और थर्ड में आराम से जाएगी यार अपने आप, बस बॉल पे फोकस रखने हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। बताएंगे सर का ये दूसरा स्कूल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने यहाँ पे टाइम दिया बच्चों को और बच्चों ने खूब इंजॉय करा, और आपने जिस तरह से बच्चों को गाइडेंस दी है इनिशियली, ये रियली उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी रहेगा और यूज़फुल भी रहेगा, और मैं आशा ही नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है ऐसे ही बच्चों को आप गाइड करते रहें और बच्चों को नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कराने का आपका प्रॉमिस भी रहना चाहिए यहाँ पे। डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रविवार। ओके थैंक यू जी। दूर से आसान लगता है लेकिन खेलने में पता चलता है कि मुश्किल है करना। ठीक है, मस्त है सर, मस्त है सर, सर तो मस्त रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि रवि बागड़ी यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेंगे और फ्यूचर में हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। लोगों को गोल्फ सीख के क्या लगा, मतलब क्या मतलब आपका भविष्य है इसमें? सर अच्छा लगा, अच्छा लगा सर, दिल जो गार्डन गार्डन होगा, ये बहुत अच्छा लगा, नीचे जो मजा आ गया, बहुत मजा आ रखा है, एंजॉय वेरी मच सर, वी एंजॉय वेरी मच, अच्छी वाइब्स आ रही है, वी एंजॉय, अच्छी वाइब्स आ रही है सर, अच्छी आ रही है। मतलब गोल्फ में क्या डिफिकल्ट पॉइंट क्या लगा? कुछ नहीं सर, इजी है सर, इजी है, यस सर। तो तुम्हारे स्कूल में सिमुलेटर रूम लगा दिया जाए? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, वर्चुअल गोल्फ, यस सर। ठीक है, और कुछ बोलना चाहे कोई? हेलो गाइस, गाइस वीडियो बच्चों को करा चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि सप्रा सर, इनके स्कूल में हमने गोल्फ कराया और बच्चों ने काफ़ी मजे लिए हैं, बाकी सर का एक्सपीरियंस जानेंगे हम तो सर प्लीज़ आप बहुत बताएं। बहुत ही तरीके से रवि बागड़ी ने आज बच्चों को गोल्फ की ब्रीफिंग करी और बहुत अच्छा सेशन 9th क्लास के टोटल बच्चों के साथ में करा, उनको अभी बेसिक चीज़ें समझाई हैं कि कितने प्रकार के इसमें स्टिक्स होती हैं और क्या क्या मोटे मोटे रूल्स होते हैं, और इनको मेनली शॉट्स जो इनिशियल शॉट होता है वो खेलना सिखाया, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के। इन्होंने ये भी बताया कि इसमें इनका बच्चों का अच्छा कैरियर बन सकता है और बच्चे नेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि रवि बागड़ी यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेंगे और फ्यूचर में हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें और कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पर अपना आपको रिप्रेजेंट करें। थैंक यू रवि बागड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाइस इन्होंने गोल्फ कर चुके हैं, थोड़े से शाही पर्सन हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं। वो आपका नाम क्या है सर? आदि अंगीरा, आदि अंगीरा, आदि अंगीरा जी। ईशान, ईशान जी हैं, आर्यन पाल। तो आप लोगों को गोल्फ करके कैसा मजा आया या क्या है, मतलब लाइक आपको आगे करना है इसको कंटिन्यू या कैसा है? यस सर, वी कैन कंटिन्यू इट। ओके सर, इट बेटर एक्सपीरियंस। पहली बार आपको, पहली बार शायद आपने गोल्फ के बारे में सुना और करा? यस सर। तो पूरा एक्साइटमेंट तो अभी लगता है, इनको पसीने भी आ चुके हैं और ये दोबारा करना चाहते हैं कि एक बार और चांस मिले तो ज़्यादा, बट हम इनके लिए कुछ ना कुछ
इंतजाम जरूर करेंगे, जुगाड़। यस तो बताइए सर, गोल्फ खेलने में सर मजा आया। हमें पता चला कि जो गोल्फ की स्टिक होती है वो बहुत तरह की होती है। अच्छा। और हर तरह के जैसे कितने मीटर या दूर फेंकने के लिए अलग अलग स्टिक होती है। और सर जैसे वो गोल होता है सर, उसके लिए पुट स्टिक होती है जो बहुत कम डिस्टेंस तक करती है। दन, दन, सर हमें इससे बहुत एक्सपीरियंस मिला। यस आप क्या कहेंगे? ये शर्मा रहे हैं, नहीं बोलना चाहते कुछ भी, बताइए। तो गाइस जिस तरीके से देख रहे हैं आप, बच्चे के एक्साइटेड थे और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया है। तो भी हम आगे मिलते हैं इसी तरीके से और चलता रहेगा सफ़र। सो स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं और यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट। पहले डायरेक्टर सर थे, प्रिंसिपल सर हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि लाइक गोल्फ के रिगार्डिंग? वेरी इंटरेक्टिव सेशन विद मिस्टर रवि बागरी एंड हिज टीम। दे हैव टॉट आवर स्टूडेंट्स वेरी नाइस स्किल्स अबाउट दिस वेरी वंडरफुल एंड फेमस गेम गोल्फ, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टुडे। सिंस मॉर्निंग दे वर आफ्टर अस दैट वी ऑल वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, एंड दे हैव really given a very good session, and I'm thankful to them, Ravi Bagri and his team. Thank you so much. And I invite him once again that they should come to our school anytime. Teach our students and they should learn this wonderful sport. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. Regards. I hope you like this. Yes sir.